हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप रियलमी, ओप्पो, वीवो, अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस हो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सभी डिवाइस में ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको होम स्क्रीन पर कोई एक ऐप शो नहीं कर रहा, हो सकता है प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं बट आपको क्या होता है कि होम स्क्रीन पर आपको ऐप आइकन शो नहीं करता, आपको जो ऐप है शो नहीं करता। कभी हो सकता है किसी का यूट्यूब शो नहीं कर रहा, किसी का प्ले स्टोर शो नहीं कर रहा, किसी का फोन जिसे कॉल लगाते हैं वो शो नहीं कर रहा। तो जैसे हो सकता है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन शो नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपको जो कोई भी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर रहे प्ले स्टोर से वो भी शो नहीं कर रहा, हो सकता है आपका सिस्टम का ऐप है वो भी शो नहीं कर रहा आपका होम स्क्रीन पर। दोस्तों चलिए उसी प्रॉब्लम में बात करें। हो सकता है कि सिस्टम का ऐप है डिसेबल हो चुका है तो वो भी प्रॉब्लम इसी ये वीडियो देखने के बाद आपको सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को एंड तक बने रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अलाउद्दीन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब के बाद में जो बेल का आइकन है अभी तो बात इसे क्या होगी, जो मैं न्यू डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मैं बात करता हूँ कि आपको क्या सेटिंग करना है, क्या ट्रिक यूज करना है। दोस्तों आपको 100% की गारंटी लेता हूँ कि आपको जो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको होम स्क्रीन पर जो ऐप है शो नहीं कर रहा वो फिर से आपको रिकवर हो जाएगा, आपको मोबाइल ठीक हो जाएगा, पूरी गारंटी लिख के देता हूँ। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि क्या सेटिंग करना है, आपको क्या क्या करना है कि आपको जो फिर से आपको रिकवर हो जाए, जो ऐप शो नहीं कर रहा वही आपको प्रॉब्लम को ठीक हो जाए। चलिए मैं बात करता हूँ, आपको सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको चल जाना है ऐप मैनेजमेंट पर चल जाना, जहाँ से आपको हो सकता है कि आपको रेडमी का मोबाइल तो सिर्फ ऐप लिखा होगा और पोको का मोबाइल होगा तो सिर्फ ऐप लिखा होगा। तो मेरा तो रियलमी का डिवाइस है तो आपको मेरा ऐप मैनेजमेंट लिखा होगा, हो सकता है आपका सिर्फ ऐप लिखा होगा। ऐप में आपको क्लिक करना है, मेरा ऐप मैनेजमेंट लिखा है तो ऐप मैनेजमेंट में हम क्लिक करते हैं, तो आपको ऐप में लिखा होगा तो ऐप पर क्लिक करना है। तो इस तरह से क्लिक करने के बाद आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से इस तरह से आपको जो देखिए हमारा तो रियलमी के डिवाइस में ऐप लिस्ट लिखा होता है, ऐप लिस्ट में हम क्लिक करते हैं, हो सकता है कि आपको ऐप में जैसे क्लिक करते आपको डायरेक्ट इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे इस तरह से ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सर्च करना है सिस्टम लॉन्चर, यहाँ पे सर्च करना है सिस्टम लॉन्चर सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है सिस्टम लॉन्चर की, देखिए सिस्टम लॉन्चर को आपको क्लिक करना है। सिस्टम लॉन्चर को जैसे क्लिक करते हैं और उसके बाद दोस्तों को करना क्या होगा, यहाँ से स्टोरेज पे क्लिक करना है। स्टोरेज पे जैसे क्लिक करते हैं आपको क्लियर डाटा कर देना। मैंने कुछ दिन पहले दोस्तों क्या हो रहा था कि हमारा जो ऐप है कोई के ऐप शो नहीं कर रहा था, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे थे बट हमारा जो स्क्रीन में शो नहीं कर रहा था। सिस्टम के ऐप भी कुछ डिसेबल हो चुका था, उसको हम फिर से रिकवर करना चाहते थे पर हम नहीं कर पा रहे थे। बस तो कुछ इसका प्रॉब्लम सॉल्व निकाले तो हमको सिस्टम लॉन्चर को हम क्लियर कर दिए। आपको जो मोबाइल सिस्टम लॉन्चर को क्लियर करने के लिए डाटा करने के बाद आपको जो मोबाइल है नया हो जाएगा, नया जैसा न्यू मोबाइल जो खरीदते हैं उसी तरह से आपको जो फिर रिकवर हो जाएगा सारा चीज़, आपको न्यू टाइप का हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, आपको यहाँ पर आपको सर्च करना है सेटिंग सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टोरेज पे क्लिक करके इसको भी क्लियर डाटा कर देना। मैंने ऑलरेडी क्लियर डाटा कर चुका है दोस्तों, इसको आप क्लियर डाटा कर देना। उसके बाद दोस्तों ये करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ प्ले स्टोर में चले जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू। इसको क्या करना है दोस्तों, आपको इसको अपडेट रखना है। इसे अपडेट रखोगे तो क्या होता है दोस्तों, जो ऐप है अगर प्ले स्टोर से ऐप जो ऐप डाउनलोड करता है सिस्टम का ऐप है वर्क नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो इससे भी आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी की वजह से आपको जो भी एप्लीकेशन है वो पूरा वर्क करता है, इसको भी आपको अपडेट कर लेना है। आप समझ चुके दोस्तों कि किस तरह से आपको जब होम स्क्रीन पर ऐप शो नहीं कर रहा, ऐप आइकन शो नहीं कर रहा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसको उस तरह से सिस्टम लॉन्चर को क्लियर डाटा कर देना है, आप सेटिंग को भी क्लियर डाटा कर देना, किस तरह से करना है आपको समझ चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज लाइक कर दे, कमेंट करके बताए दोस्तों वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमसे कुछ भी सवाल पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।